आज के वीडियो में हम देखेंगे मैंडिबुलर मोलार की एक्सेस ओपनिंग कैसे आपको करनी है, कहाँ कैनाल आप सर्च करेंगे। आज हम इसको क्लिनिकली देखेंगे। काफ़ी दिनों से कमेंट कर आप बोल रहे थे एक्सेस ओपनिंग के लिए मोलार्स की, तो आज इसको हम देखेंगे। इसके पहले कैनाल्स की एनाटॉमी मैं आपको बता दूंगा, कितनी इसमें कैनाल्स होती हैं, कहाँ पर ये सर्च होंगी, फिर हम इसको क्लिनिकली देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जनरली इसकी कैनाल एनाटॉमी पहले हम समझ लेते हैं, ओरिफाइसेस कहाँ मिलेंगे हमको मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार का। तो ये इसका ऑक्लूजल सरफेस है, समझ लीजिए ये मीडियल साइड है, ये डिस्टल साइड है, ये लिंगुअल और ये बक्कल साइड है। तो अगर इसको मैं बीच से डिवाइड करूँ तो ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ से हम एक्सिस ओपनिंग करना स्टार्ट करेंगे और जो कैनाल है वो इसके मिड वाले पोर्शन, इस पोर्शन में ही मिल जाती हैं। और इसमें या तो तीन कैनाल होंगी या चार। अगर तीन कैनाल है तो इसमें दो मीजियल और एक डिस्टल कैनाल होगी, और अगर चार कैनाल है तो दो मीजियल और दो डिस्टल कैनाल इसमें होंगी। और कैनाल की लोकेशन क्या होगी समझ लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ होगा, सॉरी, मेजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बक्कल, इसके ये बीच वाले पोर्शन में ही हमको कैनाल मिल जाएंगी। तो एक कैनाल यहाँ होगी मेजियो बक्कल कैनाल, वन इज मेजियो लिंगुअल कैनाल। अगर दो कैनाल होंगी डिस्टल में तो एक कैनाल यहाँ होगी और एक यहाँ। और अगर तीन ही कैनाल होगी तो उसकी लोकेशन कुछ ऐसी होगी, मेजियल डिस्टल। तो इस कंडीशन में दो कैनाल यहाँ पर होंगी और एक यहाँ। ये जनरल इसकी एनाटॉमी है कैनाल्स की। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर ये है, इसको देख लीजिए आप। इसकी एक्सेस ओपनिंग हम देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये इसका मेजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है और ये हमारे सेंट्रल ग्रूव है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल ग्रूव है। इसके मिड पॉइंट यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से तो सेंटर से हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें इनिशियल डिच हम देंगे, ये देखिए इनिशियल डिच है। अब इसको हम डीप करेंगे, पल चैम्बर तक जाएंगे। इसको अंदर हम ब्रॉड करेंगे, तो ये पल्प चैम्बर तक हमने ओपन कर दिया है, पल्प चैम्बर आ गया है। इसको अब थोड़ा इरिगेट कर लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रेट बर यूज़ करेंगे और जो हमारा चैम्बर है, पल्प चैम्बर है, उसको हम ब्रॉड करेंगे। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा, जो कैनाल का शेप होता है, कैनाल ओरिफाइसेस का शेप होता है ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगल, उसी शेप में हम इसको ब्रॉड करेंगे। इसका जो मिड पोर्शन है उसको हम ब्रॉड करेंगे, और ये कैनाल सर्च करने में हमको आसानी हो। तो इसमें अब मैंने इरिगेंट को भर दिया है। अब 10 नंबर की फाइल से हम कैनाल को सर्च करेंगे। देखिए एक कैनाल यहाँ पर है, इसमें थोड़ा फाइलिंग हम कर देंगे। जो
सेकेंड मीजियल कैनाल है, उसमें मैं ये 8 नंबर की फाइल प्लेस कर रहा हूँ। एक में 10 और एक में 8 नंबर की फाइल मैंने प्लेस किया हुआ है। ये दोनों हमारी मीजियल कैनाल है, एक मीजियो बक्कल कैनाल और एक मीजियो लिंगुअल कैनाल। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। ये देखिए कैनाल ओपनिंग आपको इसमें दिखेंगी, ध्यान से देखिए। तो अब डिस्टल कैनाल्स को हम सर्च करते हैं। यहाँ पर है एक डिस्टल कैनाल, इसको थोड़ा फाइल कर देते हैं, इसकी फाइलिंग कर देते हैं अच्छे से। इरिगेशन आपको करते ही जाना है हर फाइलिंग के बाद। थोड़ा और ब्रॉड इसको कर सकते हैं, डिस्टली इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ मैं, ताकि जो कैनाल से वो और क्लियरली हमको दिख पाए। तो सर्च करते हैं एक कैनाल, यहाँ पर हमने सर्च की है एक डिस्टल कैनाल, ये है। एक और कैनाल इसमें यहाँ पर है, 4 कैनाल इसमें है, 2 डिस्टल कैनाल है। फाइलिंग कर देता हूँ मैं इसमें अच्छे से। तो 4 कैनाल्स हैं इसमें, सभी कैनाल ओरिफाइसिस को मैं प्रोटेपर से थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, ताकि और अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। फिर तो ये देखिए बहुत क्लियर इसमें 4 कैनाल ओरिफाइसेस दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 2 मीजियल और 2 डिस्टल कैनाल ओरिफाइसेस में दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन टॉपिक्स पर और वीडियो आप देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।